सारा हंगामा है। आप बताएं इस पूरे लाइन में राहुल गांधी ने क्या बोला, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये देश का प्रॉब्लम है और इसका देश के ही लोग ठीक करेंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल अदानी को बचाने के लिए, जो बिल्कुल गलत है, आपने शॉर्ट में बोला, मैंने शॉर्ट में आंसर दिया है। इसके बाद जो आप दूसरा लाइन होगा मैं फिर बोलूंगा। मैं एक जवाब एक सवाल पूछना चाहता हूं, अडानी पे तो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ना तो वो बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी सेबी के अनियमितताओं का, जो फंड का जो अनियमितताओं का है उसकी जांच के लिए है। कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है? कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि अदानी जी को इतने इतने बिजनेसमैन हैं, सबको छोड़कर केवल आप उसको पैसा दिए, आपके और उसके बीच में संबंध क्या है? जिस अदानी को एयरपोर्ट का ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आ गया। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अदानी से सवाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, मैं आप ही का बयान पढ़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी को क्लीन चिट दे देगी, ये कहा आपके नेता का बयान है। मैं जानना चाहता हूं, मुकदमा शुरू नहीं हुआ, कमेटी ने सुनवाई शुरू नहीं की, क्लीन चिट कहां से आ गई? आप एक्स वाई जेड के यहां किसी के कंप्लेंट पर ईडी बैठा देते हैं और 17-17 पार्टियां जाती है ईडी के पास कि आप बोलती है कि आप इन पर भी ईडी का इंक्वायरी करो, आप क्यों नहीं कराते हो? क्या ये मैंने पूछा कि कानपुर आने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? मुझे बताया गया कि 6 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाएगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 6 नंबर प्लेटफॉर्म वाला सवाल पूछा मैंने आपसे कि आपको कैसे पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे देगी अडानी को? सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बैठी है, क्योंकि इसके पहले भी जो कमेटियां बैठी है ये सरकार में घोल कर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया, चाहे वो डिमोनिटाइजेशन हो चाहे आ गया। कौन बोला पीछे से? क्या नाम आपका? शुभम। कौन क्लास में? अरे कौन से क्लास में कौन से काम कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में। बढ़िया कर लगते हो यार, पीछे बोलते हो, क्या बोल रहे थे बताओ? मैं बोला कि तब तो आप हमारे न्यायपालिका पे वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हाय, तब तो आप हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में आया जब मैं देख रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो कमेटी बनेगी, और ज्यूरिडिक्शन का सवाल है अगर कि उसकी परिधि में वो सवाल आ रहा है या नहीं, तो आपने कहा कि परिधि में नहीं, मैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ही चाहता हूं। बात सही है आपकी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी हो, उसमें किसने रोका? लेकिन आप ये कहते हैं कि क्लीन चिट दे देगी सुप्रीम कोर्ट। केतन के पारिक के केस में और हर्षद मेहता केस में, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और जब विपक्ष के लोगों ने जेपीसी की मांग की थी तो हुआ था। अब क्यों डर? सुप्रीम कोर्ट पर आपको पूरा विश्वास है? लेकिन सवाल क्यों उठता है? कि टेन्योर खत्म ही कोई गवर्नर बन जाते हैं? सलवार क्यों उठता है कि टेन्योर खत्म ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं? ये तो उन्हीं लोगों का सेट किया हुआ है ना। अब सवाल ये आया, मैं यही तो जानना चाहता हूं कान किधर से पकड़ रहे हैं ये। मैं यही देखना चाह रहा था कान किधर से पकड़ा गया। मैं आ गया तो आपको तो पता चल गया मैंने सवाल किया। एक तो सवाल जरा फटाफट पूछना चाहते, मैं आ रहा हूं, जी बोलो। ये कह रहे हैं सर कि एक जेपीसी और दूसरा ईडी, बहुत गंभीरता के साथ सुनिए। जेपीसी आपके अडानी की जांच कर सकती है, एक्शन ले सकती है। यदि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट की जो कमेटी है जो उसमें अंदर, वो अडानी की जांच कर सकती है, आरोपी हुआ उसको सजा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं कि सजा दो। यदि हिंडनबर्ग गलत किया हो तो जेपीसी के पास पावर है कि वो हिंडनबर्ग पे कोई कुछ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। पहला टेक्निकल पॉइंट। दूसरा, ये कहते हैं भाई साहब कांग्रेस वाले की ईडी से जांच क्यों नहीं करवाते हो? एक तरफ कहते हो कि ईडी तो मोदी जी के इशारे पे काम करता है, फिर ईडी के पास ही जाते हो कि जांच करो, फिर ये भी कहते हो कि अडानी मोदी एक हैं, भाई भाई हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? बड़ी अकल रख रहे हो आजकल। हाँ, क्या नाम है आपका? वह सुरेंदर आया, सुरेंदर। हाँ हाँ जी 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 जी, कहाँ से आना हुआ आपका? बदरपुर बॉर्डर से आ रहे हैं। कौन बॉर्डर से? बदरपुर। हम क्या पता नहीं कहाँ कौन पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहे हैं। जी बोलिए, नाम बताइए अपना।
नवीन कुमार सिंह जी बोलिए। नवीन जी, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। किश्ती नहीं, वो मिठाई वाली किश्ती। बंगला हमारे लखनऊ में होते तो भगा दिए जाते, मुशायरा सुनने आते। सुनने मंच पे तो बैठने का है वही नहीं, नुक्ता ढंग से लगाओ। कश्ती निकाल के क्या यहाँ से निकलेगी आवाज? कहाँ से? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। कश्ती फिर वही गलती। कश्ती में इतना फंस जाओगे भूल ही जाओगे क्या बोलना था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है इस देश को अच्छे से संभाल के। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजमाता और नेहरू परिवार के छोड़कर किसी में विश्वास नहीं है। सबसे पहले मैं हिंदू नववर्ष और बसंतिक नव अभी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी नया शुरू किए हो गुरु नेतागिरी है? कितने दिन हो गए? पुराने हैं। गजब, हर आदमी कह रहा है मैं पुराना हूँ, मार्केट में पहचान नहीं रहे आप हमें। मैं पुराना हूँ, मैं आ रहा हूँ। नंबर जरूर ये है 8860337306 अमित का। अमित यहाँ पर अपने बच्चे के लिए 17.5 करोड़ रुपए फंड रेज करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। रेयर जेनेटिक डिजीज से ग्रसित 9 महीने का कनव, आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे कनव टाइप करेंगे KANAV तो आपको कनव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये बार बार कहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, बहुत रेयर डिजीज से बीमार है, लेकिन वक्त कैसा आ गया है। नववर्ष की तो शुभकामनाएं हम एक दूसरे को देते हैं, लेकिन हर दूसरा आदमी पूछता है क्या सच में बीमार है या नहीं है, वक्त ऐसा है। खैर, बीजेपी का वक्त अब आएगा जी। बीजेपी का वक्त हमेशा रहने वाला है प्रतीक। बीजेपी का वक्त इसके बाद हमेशा रहने वाला है। बोलिए, मेरे सवाल पे सवाल ना निकालिए। प्रतीक जी, ऐसा है न्यायपालिका में दिक्कत है, संसद में दिक्कत है, देश के लोकतंत्र में दिक्कत है, मीडिया में दिक्कत है, सेना में दिक्कत है, सब जगह इनको दिक्कत नजर आती है। सब जगह लगता है कि सब कुछ बिका हुआ है, क्योंकि यही लोग है ना खरीदार थे बहुत बड़े, यही लोग बेच दिए थे पूरी संस्थाओं को। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे के तोता है जिन संस्थाओं को। प्रतीक जी, आप सोचिए कि कितना अपमानित करने का काम है। अच्छा, ये अगर जेपीसी की, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जेपीसी अगर ये मांग छोड़ दे तो आप माफी वाली, मैं माफी उस पे आ रहा हूँ, माफी वाली बात छोड़ देंगे, उसी पे बात आ रहा हूँ। प्रतीक जी, कितने शर्म की बात है, हमारे देश के शहीदों ने जिन्होंने सही शहादत दी इस देश के लिए, 200 साल तक जिस ब्रिटेन ने भारत के ऊपर शासन किया, प्राधीनता की बेड़ियों में जकड़े रखा, उस ब्रिटेन के सामने ये मीर जाफर जाकर के हाथ फैलाते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ये वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं इतिहास की जो मीर जाफर ने की थी। आपको ध्यान होगा 1757 में प्लासी के युद्ध में किस तरह से हम लोग हारे, और उसके बाद अंग्रेजों का राज्य यहाँ अधिपत्य स्थापित हुआ। प्रतीक जी, ऐसे ऐसे देश को जिसने हमारे ऊपर लगातार शासन किया और शहीदों ने शहादत देकर अपने प्राणों के जो प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, उन शहीदों का भी अपमान है। भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान तो है ही, उन शहीदों का भी अपमान है। हम राहुल गांधी से कहते हैं माफी मांग लोगे तो क्या हो जाएगा, देश का अपमान किया है, तुम्हारा कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का पट्टा थोड़ी ले। हम लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों इसे बेहद संभाल के, ये है पूरी बात। इन्होंने मीर जाफर कहा, इन्होंने जयचंद कहा, अब आप जयचंद वाली बात कहेंगे, वही बात कहेंगे, पूरी दोहरा देंगे। मैं क्यों कहूंगा, जब मैं कहूंगा मोदी की बात करूंगा, मैं मोदी की बात करूंगा। जो मोदी देश विदेश में जाकर बोलते हैं कि मैं कहां पैदा लिया, शर्म की बात है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा लिया। मैं मोदी की बात करूंगा, माफी तो मोदी से मांगनी चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं प्रोग्राम चलाते हैं कि बार बार राहुल गांधी की माफी नवा का बात करते हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी ने जब जाकर बोला कि आज के पहले कभी इस धरती भारत में कभी काम नहीं हुआ, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री काम नहीं, आप उस पर क्यों नहीं माफी मांगते मोदी से? देश का अपमान कौन करता है? मणिशंकर जाकर के झुंझुना बजाते हैं, भीखा कटोरा लेकर पाकिस्तान के पास पहुंचते हैं, सलमान खुर्शीद चीन के महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है उनको डोजियर के रूप में पाकिस्तान पेश करता है, ये लगातार हमारे देश को अपमानित करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं प्रतीक जी, अरे भाई साहब ये बताइए, ये मैं बता देता हूं, इन नरेंद्र मोदी जी ने विदेश की धरती पर वो किया है कि विश्व के चौधरी भी ना पीछे से राम राम करते हैं नरेंद्र। आज कुछ बजाओ यार, मेरा मन नहीं कर रहा, शो करने मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बजाओ कुछ यार।
हाँ हाँ बजाओ। हाँ बाजी बिल्कुल ये बात सच है। उखड़ी हुई बात इसलिए है कि संसद चलनी चाहिए सर, बिल्कुल चलना चाहिए। और अगर संसद नहीं चलती तो ये तो एक सिर्फ उदाहरण है कि 17.5 करोड़ का इंजेक्शन है। ऐसे तमाम सारे लोग हैं, लोगों ने कहा कि आलू 2 रुपया किलो बिक रहा है साहब, 2 रुपए किलो आलू बिक रहा है। कहां बगल में ही, यहां से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर 2 रुपए किलो आलू, फर्क है बात, हाँ मैं जान गया साहब, 2 रुपए किलो आलू बिक रहा है। कैसे हो, लोगों ने कहा कि गेहूं की फसल खड़ी थी, हमने जानते हैं गेहूं ही की फसल है, धान नहीं होता इस फसल में, गेहूं की फसल लेट गई पानी में, बारिश में, ओले में, बातचीत होनी चाहिए। 15% फसल पे असर पड़ेगा, कौन सर्वदलीय, मैं कह रहा हूँ सर्वदलीय बैठक हो, मैं तो कह रहा हूँ। प्रतीक जी ये लोग आए क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ आए क्यों नहीं ये लोग, जब सर्वदलीय सभापति जी ने उपराष्ट्रपति जी ने बुलाया इनको तो भाग गए। क्या केवल सत्ता पक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम संसद को चलाना भी है, लेकिन देश को अपमानित नहीं होने देंगे हम लोग, हमारे लिए देश। सत्ता पक्ष को अगर ये जिम्मेदारी समझ में आती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब बिरला साहब जब चेयरमैन आते हैं पार्लियामेंट लोकसभा में और जब विपक्ष के नेता को बोलते हैं खड़ा करने के लिए और विपक्ष के मंत्री वहां पर हल्ला करने लगते हैं और आप वहां संसद ठप करा देते हैं केवल और केवल अदाली के मामले को बंद करने के लिए, चुप कराने के लिए। क्या इनके माइक म्यूट कर दिए जाते हैं? 15% फसल पर फर्क पड़ेगा। हाँ तो अरे तो बताओ, मीर राफर और जयचंद को लेके आ जाते हैं, मुसलमान का जिक्र करना है तो टीपू सुल्तान का भी तो जिक्र करिए, जो अंग्रेज उसके नाम से कांपा करते थे, मतलब मीर राफर का नाम बता रहे हैं आपका जी। टीपू सुल्तान तो आए नहीं अभी तक, आ रहे हैं कर्नाटक में हैं, अभी चल रहा हूँ वही इलेक्शन हो रहा कर्नाटक में। क्या नाम हो गया? आतिफ हसन रायपुर कायमगंज फरुखाबाद का निवासी हूँ। फरुखाबाद के निवासी हैं तो कर्नाटक चल रहा है मेरे साथ, वहाँ टीपू सुल्तान पर भी बात होगी। तो ये लोग हम कहें गेहूँ बात कर लें। हाँ वही 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 मैं कह रहा हूँ कि गेहूँ पे बात करना चाहिए, इतनी बड़ी आपदा करी है उसके संकट को निकालने के लिए, किसानों को निकालने के लिए उस पर बात होना चाहिए, कहाँ जाफर पे और कहाँ फाफर पे। हम तो वही बात कह रही हूँ जी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थ्योरम या प्रमेय जिसको सिद्ध किया जाता है, मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश विरोधी नहीं है। अब कैसे सिद्ध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और इसने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो, समीकरण एक, समीकरण बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। मैं गद्दारों को मैं पूछता हूँ, सवाल का जवाब दीजिए, देश के गद्दारों को, आतंकियों को, इस तरह की घटना, असामाजिक तत्वों को क्या माला महिमा मंडित करना चाहिए? मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोग तो वो लोग हैं, बोलने दीजिए प्लीज। नहीं अब मैं थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ ना, फांसी रुकवा देते हैं थ्योरम, ऐसे बोलेंगे कैसे, थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ। दूसरी बात तब क्या है, राहुल गांधी को गोली मारी जानी चाहिए भाई, हमारे बीजेपी कहती रही है राहुल गांधी को गोली नहीं मारी जाएगी, माफी मांग लो ये कह रहे हैं, तो माफी मांग लो कह रहे हैं जिसको आप देश के गद्दार मान रहे हैं, क्योंकि मीर जाफर का कहने का भी मतलब यही है मनोज जी, जो कह रहे हैं कि मीर जाफर है, मीर जाफर मतलब गद्दार है, गद्दार है तो गोली मारो, गोली नहीं मारो बोल रहे माफी मांगो, इसका मतलब थ्योरम प्रूव हुआ कि राहुल गांधी देश विरोधी नहीं है। बात आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो बात ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये पुरानी आदत है विक्टिम कार्ड निकालने की, पहले तो गुनाह करते हैं फिर उसके बाद मासूम बन जाते हैं। राहुल गांधी इस लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं सत्ता भोगने के लिए, जब इस लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं तो माफी मांगने में उनको शर्म आती है, और आपको कुर्बानियां इस देश के वीरों ने दी है, और आप क्रेडिट लेकर इस देश के लाखों करोड़ों उन स्वतंत्रता सेनानियों का आप अपमान करते हैं। कहना बंद कर दीजिए इस देश के लोगों को झूठ परोसना बंद कर दीजिए। प्रतीक जी राहुल गांधी के घबराहट देखिए, एक घबराहट देखिए प्लीज डोनेट एंड हेल्प रेज 17.5 करोड़। नंबर इज 8860337306। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद